और ये लोग ने मेरे साथ अटैक भी किया हुआ है और यहाँ वहाँ थोड़ा मुझे मार लगा है। ये मेरा मेडिकल भी है यहाँ पे, तो सब प्रॉपर्टी है जो हम गरीब मेरे पूर्वज जब फैमिली आए थे तब उनको मिला था, वहाँ पे हम रहते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह राजपूत। क्या हुआ है आपके साथ? सर एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ चिम्बेल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी BDO का प्रॉपर्टी है जो हम गरीब मेरे पूर्वज जब फैमिली आए थे तब उनको मिला था, वहाँ पे हम रहते हैं। अराउंड 30-40 ईयर्स हो गया हमको वहाँ पे, लेकिन अभी वहाँ पे एक्चुअली नया बिजनेस स्टार्ट हो गया है। ये लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने दिया था एज ए गरीब बोल के रहने के लिए, वो कुछ लोग अभी बेच बेच के जा रहे हैं। और वो जो दूसरा आदमी खरीद रहा है वो स्लैब डालता है, फिर ऊपर का रूम रेंट पे देता है। ऐसा मतलब नया बिजनेस स्टार्ट हो गया है। और दूसरी बात, अगर ये मैं बनना चाहता हूँ, ये जो हो रहा है वो गलत है। अगर ये लोग को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो ये लोग ने सरेंडर करना चाहिए गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी गरीब को मिलता है। और यहाँ पे अभी मेरे साथ वो कोई मेरे घर के बाजू में रह रहा है, वो तो किसी से उसने घर खरीदा, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। और कंस्ट्रक्शन चालू किया इलीगल, मैंने उसको बोला था मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। इवन मेरे चाचा भी आए थे, मेरे को बोले थे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इलेक्शन रहने दो बोल के। मतलब मैंने क्या बोला, एक डेढ़ मीटर या एक मीटर, आधा मीटर कम से कम छोड़ के बांधो। उसको उस पर ऑब्जेक्शन हो गया, उसके ऊपर ही वो बांधना चाहता था। तब जाके ये फिर वो थोड़ा पंचायत वगैरह हम लोग सब कुछ एंट्री करके कंप्लेंट करके मैंने ये किया। फिर इन लोग के जो इकट्ठा होकर एक 10-15 लोग ने मेरे पे अटैक भी किया है, मेरे साथ 6-7 लड़के लोगों ने। और उनका ज़रूरत नहीं था, ये प्रॉपर्टी उनका नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और का है और मैं हूँ वहाँ पे अगल बगल वाले, और हमारा जो बाजू वाले लोग हैं वो आके इंटरफेयर हो रहे हैं इसमें। और ये लोग ने मेरे साथ अटैक भी किया हुआ है और यहाँ वहाँ थोड़ा मुझे मार लगा है। ये मेरा मेडिकल भी है यहाँ पे, और ये मेरा मेडिकल है और इसमें बस हिट प्रॉब्लम का इसमें दिखाया गया है, एक्सरे भी निकाला था मेरा। आपने कंप्लेंट किया उसके? कंप्लेंट किया है। अभी कंप्लेंट में क्या हो गया, क्रॉस कंप्लेंट हो गया। क्रॉस कंप्लेंट में मुझे अरेस्ट हो गया और उनका एक लड़के को, और उनके औरत लोग पुलिस स्टेशन में कपड़ा फाड़ के नाखून लगा के मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ ये किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ PI सर से कि प्लीज़ इस पर इंक्वायरी बैठाओ और इंक्वायरी से इसका पूछताछ पता करके ले लो, ताकि वहाँ पे गांव में भी और लोग हैं जिन्होंने खड़े रह के देखा है। मेरे पास वीडियो भी है कि पापा मैंने उन पे अटैक नहीं किया है, वो लोग ने मेरे पे अटैक किया है। मैंने उनको पहले ही बोला था, देखो मेरा घर के बाजू में तुम धाड़ धूड़ चालू कर रहे हो, डिस्टर्बेंस, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है। तो ये लोग ने उस पे मतलब सीरियस नहीं ले लिया, मतलब जाओ तुम क्या करते करो। और यहाँ पे जो उनका पंच है जो नासिर बोल के वहाँ पे, वो उनको बिंदास उनको मतलब एक परमिशन दिया है, तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं पंचायत से सरपंच से पूछताछ कर रहा हूँ तो पंचायत से उनको ना परमिशन मिला है, ना घर तोड़ने का, ना खरीदने का, ना कंस्ट्रक्शन करने का। सिर्फ आपको ये कब पता चला, मतलब इनके साथ ऐसा हुआ? मैं सुबह जब विक्टिम ने और जो उसके माँ ने जब मुझे कॉल किया तभी मुझे पता चला कि ये सब ऐसा सब कुछ वहाँ पे इलीगल हो रहा है। तो मैंने उस पर पूछताछ किया, उसके माँ को मैंने मेरे साथ बिठा के उसके पूछताछ किया, तभी मुझे पता चला कि ये जो जगह जो है वो BDO के है। और 2001-2 में उन लोगों को ये जगह दिए थे गरीब लोगों के लिए रहने के लिए, सरकार की तरफ से मिला है इनको, सरकार के तरफ से उन गरीब लोगों को वो जगह रहने के लिए मिला है। तो ये जगह वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, उन लोगों को फ्लैट ये वो लेना है करके वो जगह बेच रहे हैं और वो जगह से अपने घर खरीद रहे हैं। तो अभी वैसा ही इधर भी वैसा ही हुआ, जब भी इनके जो घर का एक जो पार्टीशन है, इधर जो एक कैथलिक आदमी जो रहता था जो हेराल्ड में काम को है एज अ राइटर, और उन्होंने वो घर किसी को बेचा है। और बेचने के बाद जो वहाँ पे एक मुस्लिम जो आदमी है उसने वो ख़रीदा है, वो अभी वहाँ पे घर बांध रहे हैं। तो उसके वजह से इन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि पार्टीशन जो घर का है वो दीवार जो है वो एक ही है। तो वो दीवार जो मैंने ये सब जब पूछताछ किया और उसके बारे में मैंने कंप्लेंट जब पंचायत को लिखा, तो मैंने पंचायत को जब सरपंच के साथ में बैठा, सरपंच हमारा जो शिरोडकर है उनके साथ में बैठा, तो उनके साथ मैंने वो डिस्कस किया, उनको मैंने एग्जीक्यूटिव पावर जो उनको एक्सप्लेन किया सब उनको मैंने बताया कि ये जगह ऐसा नहीं बेचा जा सकता, ये BDO का प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तभी उन्होंने मेरे को बोला, शिवा तुम कुछ टेंशन मत लो, हम लोग इस पर BDO की मीटिंग रहेगी, इसकी मीटिंग रहेगी बॉडी मीटिंग 29 को, वो बॉडी मीटिंग। लेकिन जो सरपंच सच में बहुत अच्छे है, वेल कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने मुझे तुरंत आज ही उनका स्टे ऑर्डर दिया और ये स्टे ऑर्डर
वो लोगों को जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उन लोगों को सर्व करने के बाद विक्टिम को भी इसका एक कॉपी दिया गया है। तो उसके इसमें लगता है कि सरपंच को इसमें कुछ इन्वॉल्वेशन नहीं है, क्योंकि एनओसी जो पंचायत से निकालना पड़ता है वो एनओसी भी उन्होंने नहीं निकाला था, इसके वजह से सरपंच को डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए आसानी हो गई, तो उन्होंने आसान हो गया तो उन्होंने ये एनओसी निकाला है। तो अभी आपकी मांग क्या है, मतलब मेरी अभी मांग है सरपंच से कि उन्होंने फ्रेश इंस्पेक्शन करने का, प्रेस इंस्पेक्शन करने के बाद जगह किन किन को वीडियो ने दिया था, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं क्या, उन लोगों ने वो जगह बेचा है, और इंक्वायरी सरपंच ने करना बहुत ज़रूरी है। सर्वे ये नहीं होगा, ये सर्वे जब नहीं होगा, नहीं तो मैं मेरे एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो के तरफ से एक एप्लीकेशन वीडियो को मूव करूँगा, कलेक्टर ऑफिस को मूव करूँगा, मामलेदार को मूव करूँगा, और उसके ऊपर क्या डिसीजन होता है वो मैं सरपंच के साथ बैठ के डिस्कस करूँगा।